आंखें भी लाएगा। दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर रही। वहीं आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान की फिल्म पठान के अभी तक के 9 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और आपको बताएंगे पठान फिल्म का अभी तक का 9 दिनों का टोटल इंडियन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना रहा, और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कौन कौन से बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने में कामयाब हुई। वहीं फिल्म लाइफ टाइम बॉक्स ऑफिस पर हिट होगी, सुपर हिट होगी, ब्लॉकबस्टर होगी, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर होगी या हो जाएगी फ्लॉप। तो दोस्तों यह सब जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल कलेक्शन को भी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब का बेल आइकॉन प्रेस कर दे, जिससे आपको शाहरुख खान की फिल्म पठान की ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले। तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को बताए, इस फिल्म में आपको शाहरुख खान के साथ कई मल्टी स्टार कास्ट देखने को मिले थे, जिस वजह से माना जा रहा था फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा धमाका कर सकती थी। लेकिन शाहरुख खान के हेटर्स इस फिल्म को पूरी तरह से बायकॉट करने में लगे हुए थे, लेकिन इसके बावजूद फिल्म का बायकॉट का काफी ज्यादा माहौल बनाया गया, और इतना ज्यादा विरोध होने के बावजूद पठान फिल्म ने अपने पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होते ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए और हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 55 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ओपनिंग की। वहीं फिल्म का पहले दिन का सभी लैंग्वेज का नेट कलेक्शन भी 57 करोड़ रुपए से ज्यादा रहा। लेकिन फिल्म ने अपने पहले दिन वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर और भी काफी बड़ा धमाका करते हुए 106 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ग्रोस कमाई की, जिस वजह से बायकॉट गैंग की बोलती बंद हो गई। इसी के साथ इस फिल्म का दूसरे दिन से लगातार फिल्म का 5वें दिन तक का कलेक्शन काफी अच्छा रहा। और अगर फिल्म के पहले हफ्ते और अभी तक के टोटल कलेक्शन की बात करें तो पठान फिल्म ने अपने पहले हफ्ते यानी हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 318 करोड़ 50 लाख रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली थी, जिस वजह से फिल्म अपने पहले ही हफ्ते हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ क्लब में शामिल हो गई। वहीं फिल्म का पहले हफ्ते का सभी लैंग्वेज यानी हिंदी, तमिल, तेलुगु का टोटल इंडियन नेट कलेक्शन 330 करोड़ 25 लाख रुपए से ज्यादा रहा। इसी के साथ इस फिल्म ने अपने पहले हफ्ते वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर भी काफी बड़ा धमाका करते हुए 634 करोड़ रुपए कमाए, और पठान फिल्म बॉलीवुड की पहली फिल्म बनने में कामयाब रही, जिसने अपने 7 दिनों में 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ग्रोस कमाई की। लेकिन फिल्म को अभी तक बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए आज 9 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और रिपोर्ट के मुताबिक पठान फिल्म अपने 9वें दिन यानी आज भी बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए हिंदी बॉक्स ऑफिस पर 18 करोड़ 20 लाख रुपए के आसपास कमाई कर रही। वहीं फिल्म का 9वें दिन का सभी लैंग्वेज का इंडियन नेट कलेक्शन 18 करोड़ 55 लाख रुपए के आसपास रहेगा। लेकिन फिल्म आज भी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन करते हुए 33 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई करेगी, जिससे शाहरुख खान की फिल्म पठान का 9 दिनों का टोटल हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 356 करोड़ 75 लाख रुपए हो जाएगा। वहीं फिल्म अपने 9 दिनों में सभी लैंग्वेज में इंडियन नेट कलेक्शन 369 करोड़ 45 लाख रुपए से भी ज्यादा का करेगी। लेकिन फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन उम्मीद के मुताबिक काफी अच्छा रहेगा, और ओवरसीज में शाहरुख खान की काफी तगड़ी फैन फॉलोइंग होने की वजह से पठान फिल्म अपने 9 दिनों में वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 704 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई कर लेगी। तो दोस्तों शाहरुख खान की फिल्म पठान बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हो चुकी है, लेकिन अब तो आपको क्या लगता है पठान फिल्म लाइफ टाइम, KGF चैप्टर 2 और बाहुबली 2 के कलेक्शन को पीछे छोड़कर इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन पाएगी या नहीं, और आपका लाइफ टाइम कलेक्शन कितना रहेगा, 1000 करोड़, 1200 करोड़ या 1300 करोड़। इसी के साथ आप इस फिल्म को हिट कहोगे, सुपर कहोगे, ब्लॉकबस्टर कहोगे या कहोगे फ्लॉप, आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताओ। वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूले, जिससे आपको शाहरुख खान की फिल्म पठान के कलेक्शन की रिपोर्ट मिलती रहेगी सबसे पहले।